विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया गया है। इसके पहले वीडियो में हमारे एक चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताया गया था, जिसमें केवल और केवल एक ही चर होते हैं, उन्हें एक चर रैखिक समीकरण कहा जाता है, जिसमें द्विघात समीकरण की चर्चा की गई है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हो, उसे क्या कहा जाएगा? द्विचर रैखिक समीकरण कहा जाएगा। तो द्विचर रैखिक समीकरण के लिए हमारा मूल समीकरण जो बनता है वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। इसके पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने वहां पे एक चर वाले में बताया गया होगा कि ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में की हुई है। लेकिन आज हम इसको नहीं, आज हम इस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे, पहला चर हमारा x और दूसरा चर हमारा क्या है? y है। अब x का गुणांक हमारा क्या है? x का गुणांक कहा जाए या सहगुणक कहा जाए, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, चाहे सहगुणक कहें और चाहे गुणांक। तो x का गुणांक a और y का गुणांक b है, अचर पद c है। अब यहाँ पर जैसे बताया गया होगा, x की पावर 2 का गुणांक या x की घात 2 का गुणांक x है, a x की घात 2 का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c हमारा क्या होता है? अचर पद होता है। अगर हम इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि द्विचर रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका मूल समीकरण हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अब हम इसमें अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम पहली विधि की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रतिस्थापन की विधि को पढ़ना है। इसके बाद हमारी विलोपन पद्धति आती है और इसके बाद रैखिक युग्म की विधि आती है, वज्रगुणन की भी विधि आती है, लेकिन आज हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जिसका मूल समीकरण या समीकरण पहला लिखा हुआ है x प्लस y बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 14, यानी 14 लिखा हुआ है, और दूसरा समीकरण हमारा लिखा हुआ है x माइनस y बराबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। विधि हमारी होगी प्रतिस्थापन, विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? जिसमें मान को विस्थापित किया जाए, जिसमें मान को विस्थापित किया जाए मतलब आगे की ओर भेज दिया जाए, वो हमारी विधि आती है प्रतिस्थापन की। जैसे x प्लस वाई इक्वल 14 लिखा हुआ है, x माइनस वाई पर इक्वल लिखा हुआ है 4, तो इसको हम समीकरण एक मानेंगे और इसको हम समीकरण दो मानेंगे। इसका हल चालू करेंगे। अब यहाँ पे समीकरण एक लेना है या दो, दोनों में से कोई भी हम समीकरण ले सकते हैं। जैसे कि मैं समीकरण एक ले रहा हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14। अब यहाँ पे हम किसको पक्षांतर करें, x को करें या y को? नो डाउट, दोनों में से हम किसी को भी कर सकते हैं। जैसे कि हम y को पक्षांतर कर रहे हैं, क्योंकि y में हमको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, x प्लस में है लेकिन वो चिन्ह हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए x को अपने साइड ही रहने दो, y को पक्षांतर कर देते हैं। x बराबर वो हो जाएगा हमारा 14 और ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे इसमें जाएगा माइनस में, x का नया मान हमको मिल चुका है। समीकरण एक और दो बना हुआ था, अब यहाँ पे हम समीकरण बनाएंगे 3।
अभी हम x का मान समीकरण एक में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसमें से हमने ये x का मान निकाला हुआ है। अब हम इस x का मान समीकरण दो में रखेंगे। अब यहां पे लिखा जाएगा समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो हमारा क्या है, x माइनस y बराबर चार, या समीकरण दो लेने पर। अब यहां पे x माइनस y बराबर हमारा लिखा हुआ है चार, जो कि समीकरण दो है। यहां हम समीकरण तीन से इसका मान जानते हैं कि x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, चौदह माइनस y बराबर हमारा हो जाएगा चार, x का मान हमारा 14 माइनस y और ये हमारा माइनस y, y तो हमारा y रहेगा, प्लस बराबर हो जाएगा हमारा 4, y y हो जाएगा हमारा 14 माइनस हो जाएगा 2y, दोनों y जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह हमारा किसमें है, माइनस में। अगर चिन्ह समान होता है, यदि चिन्ह समान होता है तो संख्याएं जुड़ती हैं, तो y y हमारा माइनस दो वाई बराबर हो जाएगा चार। और आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा ये मान आने वाला है, पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस दो वाई बराबर हो जाएगा हमारा चार, और ये प्लस में चौदह है तो जाएगा माइनस में चौदह। माइनस दो वाई बराबर हो जाएगा हमारा चौदह में से चार, चौदह में से चार माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा दस। बड़े गुणांक का चिन्ह हमारा माइनस का है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये माइनस कैसे हुआ, चिन्ह विपरीत है, चिन्ह यदि चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं घटती हैं, एक माइनस में है और दूसरा किसमें है, प्लस में, इसलिए संख्या घट गई, ये मान आया हमारा माइनस दस। अब ऐसा कह सकते हैं माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ऐसा भी बोला जा सकता है कि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल करके काम चला लेते हैं कि माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, हम ऐसा बोल करके काम चला लेते हैं, तो ये हमारा दो वाई बराबर हो जाएगा दस, और y बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, क्योंकि ये गुणे में है तो किस में आएगा, भाग में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, y बराबर हमारा हो गया 5। अगर y की वैल्यू हमारे 5 आ गई है, अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 के पास आए। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे समीकरण 3 में नहीं जाना है, 1 या 2 में जाना है, तो नो डाउट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही लाइन में आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में आएंगे तो लिखा हुआ है x x बराबर 14 माइनस y, और y के y का मान हमारा यहाँ पे आया हुआ है 5, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 माइनस ये 9, और y बराबर हो जाएगा हमारा 5। प्रतिस्थापन विधि से अगर हमें सवाल को सॉल्व करना है तो हम कोई भी सवाल इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं।